आज मेरी वाइफ आने वाली है। हाँ बीबी कहाँ हो? मार्केट है। जल्दी आ यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग? आई एम मिसिंग यू सिंस मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी आप देख रहे हो फेस में कुछ लगा रखा है मैंने, और ये इसलिए लगा रखा है, मैंने आलू लगा रखा है। जो आप लोग कहते हो ना कि आपके फेस पहले से क्लियर हो गया, तो इसी वजह से आलू लगाना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में। तो ये मेरे को आइडिया वैसे ना हमारी मम्मा जी ने दिया था, और पीछे छमा किचन पर बिजी है। और मेरा जो स्किन है ना गाइज, मेरा स्किन है क्या बोलते हैं, ड्राई स्किन है मेरा। तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों का ड्राई स्किन होता है, कुछ लोगों का ऑयली होता है। तो आप लोगों के स्किन के हिसाब से आप लोगों को ना कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर। तो बट आलू को आप आलू को पीस के अच्छी तरह जो उसमें रस निकलता है ना, आप वो कोई भी लगा सकते हो। उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि ऐसा आपका स्किन होना चाहिए। गाइस यहाँ पे रोही अपने डाइट का खाना खा रही है, और इनमें सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी लगी तुझे? यह सब लगा अच्छा तू डाइट पे अब आ गई गाइस, ये प्रॉपर डाइट पे आ गई है। और इसने आई थिंक अपना जिम भी चेंज कर लिया, पहले मेरे साथ थी जिम में। कैसा रहा नया जिम का एक्सपीरियंस बता? अच्छा, जिम में बहुत ऐसी ऐसी मशीन है ना, करके मजा आ जाता है। हाँ, बट फिर मुझे आता भी नहीं चलाना, तो मुझे सब लोगों का मुंह ताकना पड़ता है कि कोई मेरी मदद करता है। तो ट्रेनर नहीं है क्या तेरे जिम में? ट्रेनर है, मुझे नए जिम में हूँ ना, मुझे पता नहीं कि कौन सा ट्रेनर है, कोई है वर्कआउट करने आया या ट्रेनिंग करे, क्योंकि ट्रेनर्स भी वर्कआउट करते रहते ना वहाँ पे। तो आप ऐसा लगता नहीं आप ऑफेंड कर दोगे पूछ के किसी से? अच्छा, मेरी तरह ही हाल हो गया। मैं भी पहले पहले जिम गया ना वाले में, जो इससे पहले वहाँ पे मशीन एडवांस थे, पता ही नहीं चलता। तो गाइस डाइट का ऐसा होता है, बिल्कुल मसाला वसाला कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है। मम्मी इसमें इतना हरारा क्या डाला आपने? मम्मा कुछ पूछ रही है। चलो भाई तुम अपना डाइट का खाना खाओ, हम तो अपना राइट का खाना खाएंगे। सो गाइज, मैं भी अब अपना लंच करके और काम के लिए निकलूंगा। और सुबह जिम गया था, जिम से आके नहाया नहीं अभी तक मैं। पहले मैं सोच रहा था नहाऊंगा, बट वो ये कि एकेडमी के कुछ काम रहते हैं, जैसे रिटर्न कुछ वर्क होते वो कर रहा था, तो जस्ट अब फ्री हुआ। तो गाइज घर आया हूँ, और घर आके मैं क्या सुनने को मिल रहा है आप सोचोगे क्या? मतलब मैं वहाँ बैठा पड़ा हूँ इतना थका हारा, और मैंने ना आज लंच अच्छी तरह किया भी नहीं है। और मम्मा शैशी को कह रही है मेरा बेटा थक गया होगा। लिटरली मेरी ना कसम से इतना गुस्सा है ना मेरे को, जो बंदा थक के आया, जो काम करके आ रहा है ना, उससे नहीं पूछा जा रहा है। और जो बंदा पूरे टाइम घर पे फ्री घूम रहा है, ऐं कर रहा है, उसको कह रहे, देखो मैं दिखाता हूँ मम्मा क्या कर रही है। देखो गाइस, शैशी को खाना पहले मिल रहा है इस घर पे। शैशी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है इस घर में, देख रहे हो गाइस? ये देखो कौन सा चिकन चाउमीन। चलो बढ़िया है, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है गाइस, बहुत गाइस सच में बता रहा हूँ। और देखो ऐसा हाल हुआ पड़ा, आज ठंड नहीं है, आज लोहरी है। वैसे गाइस हैप्पी लोहरी आप सबको मेरे तरफ से और हमारी फैमिली के तरफ से। आज मम्मा फिर चिकन नूडल बना रही है। तुमने करची ला दिया थोड़ा सा? अच्छा, कैसी लाता है तू व्लॉग में करची? गाइस ये हमेशा व्लॉग में आके करची लाता है, मैं इसका व्लॉग सबसे पहले देखता हूँ, बिकॉज बहुत फनी होता है इसका व्लॉग। हाँ फोन कर रहा हूँ गाइस, यहाँ देखो करछी ऐसे लाते है, पूछ रहा कैसे लाते है, देखो ऐसे करके ऐसे करके। चाउमीन ले लो, चाउमीन ले लो। हैप्पी लोहरी एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। मेरी वाइफ आने वाली है। हाँ बीबी कहाँ हो? मार्केट है। जल्दी आ यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग? आई एम मिसिंग यू सिंस मॉर्निंग, सिंस 3 days 4 days व्हाटएवर, आई डोंट नो। 3 दिन हो भी गए भाभी को गए हुए, पता नहीं चलता। गाइस तीनों दिन वही था, भाभी के साथ ही था। 3 दिन वो घर चली गई, मैं उसके साथ उसके घर चला गया। हैप्पी लोहड़ी गाइस, आज चिकन चाउमीन, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी चाउमीन, और क्या क्या, चिकन चाउमीन, वेज चाउमीन, और पता नहीं क्या, कुछ आइडिया नहीं है। सो गाइस आज लोहड़ी स्पेशल, ये है आज का मेरा डिनर, बोलो क्या बोलो, बट मुझे भूख बहुत लग रही है। अच्छा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, बहुत खेलते गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ गया, मेरा बच्चा है तू हमारा। सो गाइस आप लोगों को मिलते हैं खत्म वतम करके। गाइस फाइनली भाभी आ गई है। रोशन भैया वही कपड़े पहने थे जो छोड़ने के टाइम पे, और भाभी ने चेंज कर लिया। गाइस भाभी का बैक हो चुका है, भाभी कम बैक, और प्रैंक वाला वीडियो आने वाला है गाइस, यू गाइस विल लव इट।
कम ऑन सपोर्ट राय फैमिली। कब आ रहा है प्रैंक वीडियो? कल। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। अरे रुको गाइस, मैंने एक और बोल दिया बट साथ में एक और बोलूंगा, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन, लव यू सो मच। कहां थे मुझसे दूर तू? बहुत गुस्सा हो रहा था बताइए। गाइस शी इज बैक, हम व्लॉग बनाएंगे। मकर संक्रांति की भी, मकर संक्रांति मकर संक्रांति के लिए आप लोगों भाभी कैसा तेरे देखो, धीरे धीरे प्यार, धीरे धीरे लव टू एवरीवन, धीरे धीरे माया फ्रॉम राय फैमिली, तपाईहरुको सपोर्ट यसरी राख्नु, हामीहरुको फैमिलीको लागि थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, व्हाट एवर यू डूइंग कीप डूइंग इट। ये सारी बातें मैंने बोल दी, इसको घुसंड भी मार दिया। मम्मा मैं और क्षमा खा रहे डिनर और हम लोगों ने स्नैक्स तो बहुत खा लिया, पता नहीं इसकी बहुत आ रही है मेरे को, कौन याद कर रहा है, बहुत ज्यादा गाइस, बहुत खाया गाइस, देखो नहीं पूरा लेस, बहुत पता नहीं क्या क्या वैरायटी की लेस खिलाया आज रोहिणी ने हमें, तो अब ये कि मेरे को कम देना, मैं कम खाऊंगा पेट, अभी तक भूख लगा बोल रहा था, अभी खाना का यार, अभी देखा नहीं कितना खाया मैं, नूडल भी खाया, हाँ नहीं कम खाऊंगा मैं, ये मना थोड़ी, हाँ इतना ठीक है, मैं ये मना थोड़ी करूँगा, मैं नहीं खा रहा। रोशनी तू नहीं खा रहा? पेट नहीं भर पाता ना, मम्मा के हाथ का जब तक खाना ना खाए ना तब तक पेट नहीं भरता गाइस। आ जाओ क्षमा, अभी आ जाओ, कल जल्दी निकलना, आ जाओ क्षमा। मैं नहीं जा रहा, कल जा रहे है मम्मी, मकर संक्रांति के दिन नहाना बहुत अच्छा माना जाता है गंगा स्नान, सो गाइज मम्मा ने रोशन भैया और मुझे सुबह सुबह की ड्यूटी की, हमें जल्दी जल्दी नहाना 10 बजे से पहले ना, मकर संक्रांति ना मम्मा 10 बजे से पहले ना, अच्छा कल नहाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, नहा के कुछ करना बजे से पहले पहले, तो नहाते तो रोज कुछ अलग करना है, पूजा करना, हाथ जोड़ेना भगवान को, मैं तो बाल बाल भी कैसे आ रहे होंगे, तू व्लॉग में ले रहा है यार, मैं तो टोपी नहीं पहना, नहीं ठीक है, हमारा डिनर, मम्मा यहाँ कर रही है डिनर, और ये मेरा है, क्षमा आप नहीं खाओगे? खट्टा पुट्टा, आप भी आ जाओ क्षमा, आप भी आ जाओ, खट्टा पुट्टा उनका दोनों रंग दिन घर में आ रहा है, खाके तो मेरा, सो गाइस अब डिनर करने का टाइम हो गया और रात के 10 बज चुके हैं, ये अच्छा रहता हमारे सैलेड जरूर रहते, सरप्राइज दिन की भाभी भी आ गई है, तो ये आप लोगों भी काफी टाइम से भाभी को मिस कर रहे हो, काफी टाइम आई थिंक 2 या 3 डे के लिए गई थी भाभी, तो फाइनली भाभी भी आ चुकी है, एंड वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी गाइस, हम सबकी तरफ से आप लोगों को तो विश कर दिया, एंड आई होप सो आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहे और इन्जॉय करो, मस्त रहो, बिजनेस रहो, और मैं तो ये कहना चाहूँगा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बढ़ते रहो, इन्जॉय करो, एंड वन मोर थिंग गाइस, कल मम्मा और क्षमा जाने वाले हरिद्वार, हरिद्वार भी इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कल है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन बोला जाता है गंगा जी से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो दैट्स व्हाई मम्मा और क्षमा अभी से पैकिंग वैकिंग कर रही है, तो कल निकल रहे हैं, बट इस बार मैं नहीं जा रहा, लास्ट टाइम मैं गया था बिकॉज गाइस कहना कि घर पे भी किसी को रहना पड़ता है, गाइस सच बताऊं आज लोहड़ी है और बिल्कुल भी आज फील नहीं आया, वरना लोहड़ी के दिन इतना ठंड रहता है ना, मुझे पता है जब मैं छोटा था ना तो हम लोग हमारे सेक्टर में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाते थे बिकॉज वहाँ पे पंजाबी और सरदार लोग बहुत थे, तो मुझे इस बार फील नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो ये गाइस अब मैं आप लोगों को ना वो ये कि ब्लॉग को कंटिन्यू कल करूँगा, आज तो नहीं खत्म करूँगा, कल कंटिन्यू इस ब्लॉग को करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:15 और आज थोड़ा सा रूट मैंने लेट रखा था, तो मम्मा और क्षमा भी रेडी हो गए क्योंकि ये लोग आज लोग हरिद्वार जा रहे हैं और आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से, अभी बाकी सब तो सो रहे हैं बट वो ये कि मैं तो अपने प्रैक्टिस के लिए निकल रहा हूँ और क्षमा और मम्मा आप देख रहे होंगे पीछे, तो मम्मा चलो मैं भी निकल रहा हूँ, ये ले जा रही क्षमा और मम्मा और ये दोनों, गुड मॉर्निंग अम्मा, हैप्पी मकर संक्रांति, ओ भाई गाइज यही दोनों यही वाली ड्रेस खरीद के लाए थे सरोजिनी नगर से, सही है, और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो मेरी माँ और क्षमा कैसे लग रहे दोनों, कैब कितने देर में आ रही, लेट नहीं हुए आज, तो लेट हो गए, आया ही नहीं तो क्या करें, अच्छा आए नहीं आपकी कैब वाले, कैब वाले भैया, तो दोनों की तो पैकिंग सीरीज, शैशी बाहर तो नहीं रह गया माँ, चलो ठीक है इन्जॉय करो, मम्मा और लोग तो रेडी हो चुके हैं और मेरे को भी निकलने का टाइम हो चुका है, एंड अभी आप यकीन नहीं करें आपने देख ही रखा होगा ये जैकेट, आज थोड़ा ठंड कम है बिकॉज कल मैंने वेदर अपडेट देख रखा था, आज 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री कुछ नहीं होता,
17-18 डिग्री तो बस नॉर्मल है, बट बीच में नोएडा में 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। और कल मैंने ब्लॉग्स को ख़त्म नहीं किया था, मैंने सोचा थोड़ा बहुत आज भी कर ले क्योंकि अभी आप लोगों ने देख ही लिया है और मम्मा लोग तो रेडी हो चुके हैं, तो मुझे शूज़ पहनना है, उसके बाद मैं भी अपना प्रैक्टिस वैक्टिस करा के, पता मम्मी कल मेरे लग गई है पता नहीं कहाँ, यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे इधर बहुत पेन कर रहा है गाइस, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कब लग गया। तो गाइस वो ये कि अब आप लोगों को ना मैं आफ्टर प्रैक्टिस वैक्टिस मिलूंगा, तो आ गया प्रैक्टिस करा के। और एक अच्छी चीज़ पता क्या होती है, माँ माँ होती है, पता क्यों आपको दिखाता हूँ, देखो मम्मी ने मेरे लिए चाय भी बना के गई, यहाँ इसके अंदर चाय है, और मम्मा ने ऑलरेडी सब देखो ये ना, मम्मा ने बोला कि खाना वाना खा लियो, बिकॉज ना वही रहता, मैं खाना नहीं खाता ना, लेट खाता तो गैस बन जाता पेट में, तो ये सब मम्मा ने पहले तैयार करके गया, इसके अंदर दाल है, इसके अंदर सब्जी है, तो ये चीज़ बहुत रहती है, मतलब क्या बताऊँ मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है गाइस इस चीज़ के, हमारी मम्मी नहीं सबकी मम्मा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है अपने बच्चों का, क्योंकि अभी मम्मा गई है और मम्मा को रात हो जाएगा, तो मम्मा ने बोला कि क्योंकि ना कि मेरे साथ क्या, अगर मैं लेट खाना खाता हूँ, लेट ब्रेकफास्ट करता हूँ स्पेशली, तो मेरे गैस हो जाता है, और मेरे क्या आई थिंक कोई भी हो ना, अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाना लेट खाएंगे ना तो गैस बनना ही बनना है, तो मम्मा ने पहले ही बोल दिया था, अभी कॉल भी आया था मम्मा का कि तेरी प्रैक्टिस तो खत्म हो गई है, घर जाके सबसे पहले खाना खाइयो, तो अच्छा लगता है। और बस ये कि वीडियो को भी गाइस मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप मेरे चैनल पे नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड बाय बाय। We'll be right back.